नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी F41 है और दोस्तों उनके मोबाइल में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे दोस्तों उनका फ़ोन लैग कर रहा है और दोस्तों काफ़ी लोगों का फ़ोन है जो दोस्तों हैंग हो रहा है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के पास ये दिक्कत आ रही है कि उनके फ़ोन नए नए अपडेट आ चुके हैं फिर भी दोस्तों उनके फ़ोन लैग कर रहा है और हैंग हो रहा है, या दोस्तों वो कुछ भी गेम खेलते हैं या फिर दोस्तों ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो उनका फ़ोन दोस्तों हैंग होने लगता है या फिर दोस्तों लैगिंग करने लगता है और दोस्तों कभी कभी तो ईड भी होने लगता है और बैटरी जो दोस्तों काफ़ी कम चलती है पहले के मुताबिक। तो दोस्तों आप इस परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ सके कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F41 को या फिर दोस्तों आपके पास कोई सा भी डिवाइस है सैमसंग का, चाहे वो दोस्तों ए सीरीज का हो, एम सीरीज का हो या एफ सीरीज का हो, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है हैंगिंग को लेके या फिर दोस्तों लैगिंग को लेके, हीटिंग को लेके, तो कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें, इससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। दोस्तों जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको जाना है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, दो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा होगा जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो बैटरी एंड डिवाइस केयर का, तो आपको इसी में जाना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके फ़ोन का जो दोस्तों बैकग्राउंड दोस्तों रनिंग ऐप है वो 76% तक ऑफ है, बाकी दोस्तों चल रही हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज नाउ का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ोन दोस्तों ऑप्टिमाइज होगा और दोस्तों 100% जो हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको डन कर देना है। डन कर दोगे तो आपके उसके बाद दोस्तों आपको जाना है अपनी इसकी मेमोरी पे, और मेमोरी पे जाने के बाद दोस्तों आपको ये देखो देखिए यहाँ पे ये कुछ दिखा रहा है क्लीन नाउ करने के लिए, आपको इसको क्लीन कर देना है। आपको बैक आ जाना है बैक। तो दोस्तों देखिए जब आपने दोनों ऑप्शन को रन कर दिया तो आपके फ़ोन का दोस्तों जो डिवाइस केयर जो होता है वो 100% तक हो गया है और ऑल गुड का दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको फोन लैग करे, क्योंकि दोस्तों मैं अपने फ़ोन को ज़्यादा गेमिंग नहीं करता, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता, नॉर्मल यूज़ करता हूँ, तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं आप में से जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं दोस्तों, ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, ज़्यादातर एवरेशन यूज़ करते हैं, रनिंग में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको यही करना जो मैंने किया था, जब आप ऐसा करोगे तो आपका इस तरह से मैसेज आएगा और जब ये 100% तक ऑल गुड रहेगा तो दोस्तों आपका फ़ोन की दोस्तों ये बैटरी है वो काफ़ी चलेगी और आपका फ़ोन ना दोस्तों हीट होगा, ना लैगिंग करेगा और ना ही दोस्तों बिल्कुल भी हैंग होगा। तो आपका फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा, जैसे दोस्तों और डिवाइस चलते हैं जैसे रेडमी के होते हैं, वीवो के होते हैं, उस तरीके से आपका मोबाइल एकदम अच्छा चलेगा। और दोस्तों जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ऐसा नहीं है कि सैमसंग की गैलेक्सी आप F41 में ही कर सकते हो, आपके पास सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस हो, चाहे वो ए सीरीज़ का हो, एम सीरीज़ का हो या फिर एफ सीरीज़ का हो, सब में दोस्तों सेम प्रोसेस है, आप इसी तरीके से अपने मोबाइल को एकदम हेल्दी रख सकते हो और उसे ज़्यादा अच्छे से चला सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आप अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे दोस्तों आप उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है हीटिंग को लेके, हैंगिंग को लेके या दोस्तों लैगिंग को लेके कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाया था, जिससे दोस्तों आपके फ़ोन में दिक्कत आ रही है तो आप उसे सॉल्व कर सको। आपको बस यही करना है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप अगर आप दोस्तों इस तरह से अपने फ़ोन को एकदम क्लियर कर रहे हो तो दोस्तों आपका फ़ोन एकदम स्मूथ हो जाएगा और बैटरी भी दोस्तों पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारी बैटरी कम तभी चलती है जब हमारे मोबाइल में फालतू की जो एप्लीकेशन होती हैं वो दोस्तों बैकग्राउंड में रनिंग करती रहती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।